यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी देवी के किए दर्शन, जिला कार्यालय में लगी प्रदर्शनी को खूब सराहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। जी हां, सहारनपुर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश शासन में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बाबा भूरादेव के दर्शन करने के उपरांत मां शाकुंभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद यूपी के मुख्य सचिव ने मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के निर्माणाधीन कार्यो का भी बारीकी से निरीक्षण किया। वही कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचने पर कलेक्ट्रेट में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, अलग अलग प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी की गई। वहीं स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट के मॉडल भी प्रस्तुत किए गए, जिनमें मुख्य रूप से हैबिटेट सेंटर, जनमंच सभागार, इलेक्ट्रिक बस स्टेशन आदि दर्शाए गए। वहीं कृषि विभाग, गन्ना विभाग, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन द्वारा स्टॉल लगाया गया। वहीं बैठक सभागार में इन्वेस्टर समिट में भाग लेने वाले उद्यमियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी समस्याओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश शासन में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी और कलेक्ट्रेट कार्यालय में लगी प्रदर्शनी को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। सहारनपुर हमारे प्रदेश का पहला जिला होता है जब आप उत्तराखंड के तरफ से आते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है कृषि के दृष्टिकोण से भी, उद्योग के दृष्टिकोण से भी, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी, वानिकी के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण जिला है। इस जिले में बहुत किस्म के बहुत सारे जो है यहाँ पे विकास के कार्य हो रहे हैं। इन सारे कार्यों के बारे में चर्चा करना, यहाँ पे कुछ कार्यों को मैंने देखा भी है, जैसे कि एक अमृत सरोवर मैंने विजिट किया, शाकुंभरी माता जो हमारा विश्वविद्यालय यहाँ बन रहा है उसको जाकर विजिट किया। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी वहाँ पे क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, प्रशासनिक भवन वहाँ पे काम चालू है, बहुत जल्दी पूरा होने का है, वहाँ पे भी वो लगने चालू हो जाएगा। यहाँ पे मैं उद्योग, यहाँ का काष्ठ उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है, काफी सारी यहाँ पे पारंपरिक रूप से होदरी, यहाँ पे पारंपरिक रूप से यहाँ पे बी कीपिंग भी, मैं सकता हूँ प्रदेश का सबसे ज्यादा बी कीपिंग का भी यहाँ पे काम होता है, बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग, इतना सारा जो है हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स है, उनके बारे में, उनकी प्रोसेसिंग के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में भी मेरी चर्चा हुई। हाल में जो हमारा ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट हुआ था, ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट में जो तमाम सारे एमयू यहाँ पे हुए उनके बारे में हम क्या एक्शन ले रहे हैं, जो किसानों के खुशहाली के बारे में क्या हम एक्शन ले रहे हैं, स्मार्ट सिटी में जो चूंकि सहारनपुर स्मार्ट सिटी है उसमें बहुत सारे काम पीछे रुके पड़े हुए थे, उनको काम शुरू करके कैसे हम शहर को जो अपेक्षा है भारत सरकार की, राज्य सरकार की स्मार्ट सिटी, उसके बारे में ऐसी तमाम सारी चर्चाएं की गई। और मुझे खुशी है कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है, मंडलायुक्त है, जिलाधिकारी है, जो हमारे अन्य अधिकारी है, जिला के SSP साहब है, उन सब लोगों ने मिलकर के एक अच्छा माहौल बनाया हुआ है, जो कि आज उत्तर प्रदेश का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों में एक चतुर्दिक विकास, चौमुखी विकास का एक माहौल बना रखा, जिसमें गरीबों का कल्याण, किसानों का कल्याण, मजदूरों के बारे में कार्यक्रम भी आपने हाल में देखा होगा कि एक अटल आवासीय विद्यालय का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, सारे मंडलों में एक एक, जिसमें यहाँ भी आपके सहारनपुर मंडल में, मुजफ्फरनगर में यहाँ पे एक अटल आवासीय विद्यालय बना, वो विद्यालय जो कि हमारे ऐसे गरीब मजदूरों के जो कि बिल्डिंग वर्क्स में या अदर वर्क्स होता है उसमें जो काम करते हैं उन मजदूरों के बच्चे, उनको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। तो आज प्रदेश में ये एक विकास का माहौल है, जो हमारा प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि अपने 5 साल के भीतर भीतर हम $1 ट्रिलियन का लक्ष्य को पूरा करें। पीछे जो अभी हमारा जो अनुमान आया उसके मुताबिक लगभग 20% का हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ आया, इस ग्रोथ को हमें मेंटेन करने के लिए 5 साल तक, तो हम इसको फिर वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य को हम पूरा करेंगे।
तो यही सारी बातें मैं यहाँ देख दे, 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 देख रहा था और भी कुछ और भी चीजें मैं देखूंगा। सर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हमारा हुआ है, इंडस्ट्री का कितना पार्ट है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमारा इंडस्ट्री का इसमें बहुत तेजी से, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे इसमें स्मरण नहीं है, लेकिन ओवरऑल हमारा जो ग्रोथ हुआ है वो लगभग 20% के आसपास। लगातार किसान जो है प्रदर्शन करने गन्ना भुगतान के लिए, चीनी मिल समय से भुगतान नहीं कर दिए, उनके लिए क्या? देखिए, गन्ना भुगतान का जितना लक्ष्य हुआ, देखिए जितना गन्ना भुगतान हुआ है पिछले 6 सालों में, आपको मालूम है लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट गन्ना किसानों को भुगतान हुआ है। जिस प्रकार से गन्ना मिलों का एक आधुनिकरण हुआ है, पहले तो ये मिले बंद हो रही थी, बहुत सारे मिले जो है हमारी इसको जो बेची जा रही थी, अब इन सारे मिलों को रिवाइव करके उसमें चाहे एथेनॉल का प्रोडक्शन हो, चाहे पावर का प्रोडक्शन हो, चाहे उसके अन्य इस प्रकार के विविधीकरण हो, ये सब सारी सारी लेकर के उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार किया गया है। अगर जहां कहीं भी आज की डेट में हमारे यहाँ गन्ना किसानों को उनका मूल्य समय से मिल रहा है, और गन्ना किसानों को भी, मैंने गन्ना किसानों का जो उनका उपज है आज प्रदेश में हमारी, उनकी उपज जो है काफी बढ़ोतरी हुई है और बहुत तेजी से उसमें टेक्नोलॉजी एंटर की है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन डाली जा रही है पानी की, वो खोद के उसे बीच में कई कई महीने जगह से डालते हैं। नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देखिये कहीं भी कोई भी काम जो होता है, देयर इज ऑलवेज अ पेन बिफोर यू गेन। कोई भी काम जो है, देयर इज नो फ्री लंच। अब जल जीवन मिशन एक ऐसा परिवर्तनकारी कार्यक्रम है, क्या आप सोच सकते थे कि आज से कुछ एक साल पहले कि हर घर में नल और हर नल में जल हो जाएगा? भले लोग हमारे यहाँ हैंडपंप, पहले तो पानी लाने के लिए कहा दूर दूर लोग जाते थे, फिर हैंडपंप का पानी पीते थे, इंडिया मार्का 2 आया, मार्का 3 आया, लेकिन अब हर गाँव में जल की व्यवस्था हो रही है, हर घर में जल और हर नल में जल, इस प्रकार की जो व्यवस्था हो रही है और उसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा रही है। गांव में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेन करके उन्हीं के माध्यम से उसकी मेंटेनेंस वगैरह का भी काम किया जा रहा है। तो ये जो काम हो रहा है, उस काम के लिए थोड़ा तो लोगों को कष्ट होगा, लेकिन हमने पूरा उसको, जो भी हमारे कॉन्ट्रेक्टर से उनको निर्देश दे रखा कि अगर कहीं खुदाई करते हैं तो उसको तत्काल उसे वापस से ठीक कर दे। अगर कोई कमी है, कहीं स्पेसिफिक कमी है, तो मैं कहूंगा अपने जिलाधिकारी के नॉलेज में आप लाइए, हमारे जो ADM स्टाफ को देखते हैं उनके आप नॉलेज में लाइए और तुरंत इसको सुनिश्चित करेंगे कि दिक्कत ना आने पाए। आज मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रदेश में देश का सबसे तेज नल लगाने वाला अगर कोई प्रदेश है तो हमारा उत्तर प्रदेश है। इतना हमारे जो अचीवमेंट हुई है, अभी हम लोग जो है मतलब टोटल नंबर हमारा 1.5 करोड़ से ज्यादा, एक करोड़ 60 लाख के आसपास हमारे नल कनेक्शन हो चुके हैं, और दिसंबर 23 तक हम 100% करीब 2.5 करोड़ का लक्ष्य है, दिसंबर 23 तक हम 100% पूरा कर रहे हैं। सहारनपुर में बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी स्थायी बस अड्डा नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। अभी मुझे बताया है, अभी आपके किलो ने मुझे बताया है, मैं जरा इसके बारे में जानकारी करूंगा क्या हो गया, क्योंकि ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारे बस अड्डे बहुत अच्छे बनने चाहिए। दे शुड बी लाइक आज की डेट में जैसे कि बढ़िया एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, बड़े रेलवे स्टेशन जैसे बनने, ऐसे बस अड्डे बने। भी हाल के समय में 5 बस अड्डों को राज्य सरकार ने दिया, PPP में दिया काम करने में, तो काम चालू हो गए। ऐसे सब जगह होने को, सहारनपुर तो रीजनल हेडक्वार्टर पक्का यहाँ बनेगा, मैं जानकारी करूँगा, अभी मेरे संज्ञान में लाया गया। ठीक है, थैंक यू। सहारनपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वाइब।